ओके दिस इज रेसिडियम, दिस इज म्यूटो, भाई दोनों एक साथ, अरे 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 अरे, एंड ऑल्सो लेजेंडरी। ओ मम्मी के मगरमच्छों और पापा की परियों, सभी लोग का स्वागत है पोकेमॉन शॉर्ट एंड शील्ड रैंडमाइज़र की और एक नए वीडियो के ऊपर। भाई भैया, अगले एपिसोड में मैंने तुम सभी लोगों से वादा किया था कि मैं लेजेंडरीज को कैच करूंगा, बट घंटा कोई नहीं मिला मेरे को। बट या इस एपिसोड में मैं ऑफकोर्सली कैच करूंगा। ये देखो शुरुआत में नल्ले घूम रहे हैं यहाँ पर, या ये निकजमा आई गेस। एंड देखो मेरे पास कुछ कैंडीज है जो कि मैंने यहाँ पर कुछ बैटल्स करके कलेक्ट की है। सो सबसे पहले तो भाई मैं उनका यूज़ करके अपने पोकेमॉन्स को लेवल अप करना चाहूँगा। ये देखो आई गेस कुछ ये रहा, कुछ कैंडीज है मेरे पास काफ़ी सारी। सो चलो यूज़ करते जल्दी से इनका। एंड ऑफकोर्सली मैं बस अपने इस ड्रैगन टाइप्स को ही पावरफुल बनाऊंगा, बिकॉज यही मेरे को सबसे सही लगता है ऑफकोर्सली। सो या अब मैं कुछ लेजेंडरीज को कैच कर सकता हूँ वहाँ पर, मतलब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ। एंड ऑफकोर्सली मैं अपने इस पोकेमॉन को फर्स्ट रख देता हूँ जो कि ड्रैगन टाइप वाला है। पता चले भाई कोई ख़तरनाक पोकेमॉन आगे आ जाए ना, हम पिट जाए। ठीक है, तो लेट्स गो। निकजमा कहाँ गया, यहाँ पर ही तो था ना, आई थिंक वो टट्टा भाई भी बोल चुका है। तो हम दूसरे पोकेमॉन को देखते हैं, लेट्स गो बड़ी। यहाँ पर कौन सी पोकेमॉन, ओ स्नॉरलैक्स, ऊपर भी एक पोकेमॉन उठ रहा है भाई देवी। एंड एक्चुअली मैं इनसाइड में, ओ एक सेकंड, व्हाट, ओ भाई, ओ ओ ओ ओ रेशेरियम्स। एक्चुअली एक को तो कैच करना बनता है, लेट्स गो। ओ ओ भाई कितना ही ज़्यादा ही ऑसम लग रहा है ये पोकेमॉन। एंड जिन लोगों ने लाइक नहीं किया रेशेरियम के नाम पे, तो एक लाइक बनता ही है। चलो इसे कैच करने की ट्राई करता हूँ मैं। ओके, इसकी एबिलिटी काफ़ी ख़तरनाक होती है, मुझे लग रहा है ड्वेल चॉप ज़्यादा से ही होगा। लेट्स यूज ड्वेल चॉप, ओके 40 डैमेज होता है। ओ हाउ वन शॉट नॉकआउट भाई देवी। एक सेकेंड, मैंने एक चीज़ गलती की, पता है मैंने इस पोकेमॉन को ज़्यादा पावरफुल बना दिया। ऑफकोर्स कि अगर मैं दूसरे पोकेमॉन को पावरफुल बनाता लेजेंडरीज को कैच करने के बाद, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता। यार मैं गलती हमेशा करता रहता हूँ, बट कोई बात नहीं, एक रेशेरियम को तो कैच करना बनता ही है। ओके लेट्स गो बड़ी। एंड इसके लेवल आई गेस थोड़ी अच्छी हो अगले वाले से, बिकॉज अगले वाले के लेवल को ज़्यादा ही लो थी भाई देवे। ओके लेट्स सी बड़ी कौन से लेवल का है। ओके 12 लेवल का है। ड्वेल चॉप एंड क्रंच से तो ये पिटे जाएगा। ऑफकोर्स मुझे दूसरे पोकेमॉन्स को बुलाना चाहिए, लाइक ये मेरा गोष्ठी जिसका नाम मैंने सिर्फ जियो रख दिया, मतलब हाँ गो। ओके लेट्स गो गोष्ठी। एंड अब तो आई गेस कर सकता है एंशिएंट पावर, वन शॉट बीटर तो नहीं होने वाला, दैट्स गुड। इसके पास काफ़ी अच्छी मूव तो है भाई, बिकॉज ये लेजेंडरी पोकेमॉन है तो कुछ अच्छे मूव तो होनी चाहिए। नाइट स्लैश, फायर पंप, ओके ये ज़्यादा डैमेज तो नहीं दे रहा, बट मुझे डर थोड़ी लग रहा है भाई इसके अगेंस्ट बैटल करने में, बिकॉज लेजेंडरी है भाई, कब भी कुछ कर सकता है भाई। लेजेंडरी का भाई कोई भरोसा नहीं है, कभी भी भाई कुछ भी कर बैठते ये लॉन्डे। ओके थोड़ा और लो हो चुका है। एंड और एक नाइट स्लैश दे के देखते हैं, आई गेस इसका रॉर, ओ पोकेमॉन कैन बी चेंज, ओ नहीं इससे पोकेमॉन चेंज नहीं होता जस्ट। ठीक है अभी तो भाई ये लॉन्डा काफ़ी लो हो चुका है। और एक नाइट स्लैश बस, ओ नहीं इसके इस पे आई गेस जो फॉलिंग हो रही है ना, आइस फॉलिंग, इससे इसके इस पे जा सकती है। मैं यूज़ करता हूँ एक पोकेबॉल, क्या पता आ जाए ये लॉन्डा। ओके आ जा, आ गया क्या, आ गया, अरे नहीं यार, लेट्स यूज अगेन। भाई जी मेरे को नहीं लगता कि इतना जल्दी आने वाला है, बिकॉज देखो मैंने बाकी सारे पोकेमॉन्स को जो कैच किया था नॉन लेजेंडरीज, वो भी भाई बहुत नखरे दिखा रहे थे, बट ये भाई लेजेंडरी पोकेमॉन इतना इजीली थोड़ी आ गया भाई। मतलब लेजेंडरीज का वैल्यू नहीं है एंड बाकी सबका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, व्हाट द हेल भाई वे। जो भी है एग्जैक्टली अच्छा ही हुआ, आई गॉट ए रेशेरियम एट द स्टार्टिंग। सो एग्जैक्टली मैंने इसका नाम ड्रॉन्सर दे दिया है, बट अभी मुझे कुछ और पोकेमॉन कैच करना है। यहाँ पर अमेरिकन निकजमा दिखाता थोड़ा बहुत, ओ दिस इज़ ऑल्सो लेजेंडरी, मुझे वो पोकेमॉन ज़्यादा पसंद नहीं है निकजमा, सो मैं इसे कैच नहीं करने वाला। बट लेट्स सी और कुछ लेजेंडरीज मिलता है कि नहीं। ओ ऊपर में उड़ने वाला पोकेमॉन, अरे आसमान से दौड़ के ज़मीन पे क्यों आ रहा है भाई, रुक जा। ओके कुछ और पोकेमॉन देखने को मिल सकते हैं। भाई भैया मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, मैंने फाइल को चेंज कर लिया है। अगली बार वाला जो फाइल्स था ना वो काफ़ी ग्लिचस था, तो उसमें को मैंने चेंज, वेट ए सेकंड, इट्स क्यूरम, ओ नो इट्स रियली क्यूरम बड़ी। मेरे पास वो पोकेमॉन है वरना मैं इसे कैच कर लेता, बट ऑल्सो क्यूरम इज ए ग्रेट पोकेमॉन, बट फिलहाल इसको रहन दो थोड़ा। कोई अच्छा पोकेमॉन देखते, क्यूरम के सिवा कुछ और मिल गया तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। लेट्स गो, ओके और एक क्यूरम भाई, क्यूरम मिल रहा है आसपास तो। ओके ऑल्सो लेजेंडरी निकजमा, नल पीकेचू, एंड ओके टाइप नल निकजमा, टोकोल भी कुछ आसपास घूम रहे। ओके I want some batty Pokemon. एक सीन Zamazenta at the starting. ओ भाई what's up Zamazenta, अब पिछवाड़े में घुस गया मैं उसके। ओके आई गेस मैं इसे कैच कर सकता हूँ, एग्जैक्टली एज अ लेजेंडरी काफ़ी सही होगा।
एंड मैं सोचा एक टास्क रखते हैं ना सारे लेजेंडरीज को कैच करने का, तुम्हें क्या लगता है सही होगा? ओके, इसके पास डिफेंस इंक्रीज हो चुका है इसका एक क्रंच से बच, ओ नहीं मैं भूल गया था इसके ये घोस्ट टाइप है, आई गेस ये वन शॉट जाएगा। ओ दैट्स ऑसम बड़ी, ये घोस्ट टाइप नहीं है, ओ ये तो आई गेस फेरी टाइप कुछ ऐसे ही टाइप का, हाँ फेरी एंड स्टील, या ये इसी टाइप का है। ओके क्या क्या इसने डिफेंस बढ़ा देना अपना, अटैक बढ़ा दिया, नाइस। वैसे ज़ेमेजेंटा तो भाई मेरे पास अच्छा लगेगा, लेट्स गो ज़ेमेजेंटा जल्दी आ जा। ओके एग्जैक्ट, ओ नहीं 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 भाई ज़ेमेजेंटा नहीं आ रहा, ठीक है ठीक है ठीक है, सेकंड टाइम जरूर से ट्राई करेंगे भाई, इसको तो इस बार कैच करके रहूँगा मैं। एंड एग्जैक्टली आगे और भी कुछ लेजेंडरीज मिल सकते हैं, ओके आ जा। ओ ओ ओ दैट्स इट दैट्स इट, फाइनल कैच ऑन अगेन योर लेजेंडरी पोकेमॉन। ओके व्हाटएवर कौन सी स्कॉटल भाई, इसकी कोई इज्जत है भाई? भाई देखो फिलहाल दो दो लेजेंडरी लेके घूम रहा है लॉन्डा, स्कॉटल को लगता है मैं उसको इज्जत देने वाला हूँ। हाँ ऑफकोर्सली देखते कोई पोकेमॉन अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता। ओके मैं सबका नाम नहीं देने वाला बिकॉज इतने सारे पोकेमॉन मैं इस गेम में कैच करने वाला हूँ ना, सबका नाम देने लग गया तो यार मैं ख़त्म हो जाऊँगा। ओके घोस्टी को हटाते हैं, ओके नाइस दैट्स गुड। कोई और लेजेंडरी, ओ नहीं आसमान से आ गए खजूर में टपका। ओके लेजेंडरी लेजेंडरी, ओ एक सेकंड सोल के लिए हो बड़ी, आर यू सीरियस? ओ नो ओ नो नो, आई लाइक दिस सो मच, आई लाइक दिस पोकेमॉन सो मच, आई लाइक दिस पोकेमॉन सो मच, एक्चुअली मैं सोल के लिए है भाई। ओ एम जी इट्स आई कैन बिलीव इट्स रियली ऑसम पोकेमॉन। मैं सोचा थंबनेल क्या लगाऊं यार इस वीडियो का, मतलब इतना अच्छा वीडियो का थंबनेल, तुम भाई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यह वीडियो शेयर करो जल्दी से, मतलब इतना मस्त वीडियो भाई, इतने सारे लेजेंडरीज आउट ऑफ वर्ल्ड, मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं ओवर वर्ल्ड में दिख रहे हैं आउट ऑफ ग्लास में। तो भाई तुम भाई अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो भाई, बनता ही है शेयर करना। ओके एक्चुअली मैं इसको सोच रहा हूँ एक ड्रैगन नहीं क्रंच से मारूं, ओ इट्स सुपर इफेक्टिव ब्रडी, नो नो भाई मैं क्या ही गलती करता हूँ, सॉल्व के लिए चाहिए यार मेरे को, यार तुम लोगों को यार बोलने के चक्कर में मेरे से गलती हो गई, बट कोई बात नहीं इसे दोबारा हम कैच करेंगे स्पॉन करवा के। एक्चुअली हो सकता है ये स्पॉन अगर मैं यार ये क्या दिक्कत हो रही है यार, इसको इवॉल्व अभी होना है एक्चुअली, मैं आई वांट अगेन सॉल के लिए, बट सॉल के लिए दिख नहीं रहा मेरे को। अरे सॉल के लिए भाई साहब रोड तो नहीं गया ना, आई गेस मुझे दूर जाके फिर से आना पड़ेगा इसको स्पॉन करवाने के लिए। चलो लेट्स गो अगेन, देखते इस बार स्पॉन होता है कि नहीं अपना सॉल के लिए। ओ अगेन अगेन ये सॉल्व के लिए, भाई साहब इसके जैसा किंग पोकेमॉन ना अलग ही इसका ऑरा ही है, इसको तुम देखोगे ना भाई किंग की तरह फील आएगा बिल्कुल, किंग सॉल्व के लिए इज इक्वल टू किंग भाई, ये पोकेमॉन सच में जिनरी का भी लेजेंडरी है भाई, दिखने में तो ऐसा ही लगता है। एक्चुअली ये एक वो टाइप के पोकेमॉन है साइकिक टाइप एंड स्टील टाइप ऑल्सो, सो इसको कैच करने के लिए स्कॉटल सही रहे, मतलब वॉर टर्टल सही रहेगा अपना, वो तो इवॉल्व हो चुका है स्कॉटल अभी। ओके मेटल क्लो इट्स ए गुड मूव बाय द वे, इसके पास साइकिक होना चाहिए लेस वाटर पल्स। ओके ये क्या है, कौन सा अटैक था भाई, मेटल साउंड था क्या, आई गेस मेटल साउंड ही हो सकता है, मैं देखा नहीं कौन सा अटैक था। चलो वाटर पल्स इट्स सो बेकार। ओके भाई लोग चलो देखते हैं इसे कैच कर पाते कि नहीं कर पाते, वापस से सेम अटैक ही कर रहा भाई तू, शांत हो जा आ जा भाई पोकी बॉल में। ओके अगेन वाटर पल्स, आई गेस ये लेजेंडरी पोकेमॉन में अगर दो ही पोकेबॉल में आ गया ना जैसे कि बाकी सारे आए तो भी मज़ा ही आ जाएगा अलग सा। ओके इसके पास पावरफुल मूव तो है, मानना तो ये पड़ेगा भाई पावरफुल मूव है भाई लौटने के पास। ओ नहीं मैं दोबारा अटैक करने वाला था अभी बातों में, एग्जैक्टली उसे पोकेबॉल अगेन, लेट्स सी क्या होता है, आ जाएगा ना। ओके ओ भाई किंग भाई हिला तक नहीं पोकेबॉल के अंदर, बिल्कुल मना कर दिया नहीं आना मेरे को, तब तो मैं तेरे को अब तो टीम में घुसा के रहूँगा भाई, स्कॉटल को निकालूंगा तेरे को घुसाऊंगा, रुक सॉल के लियो रुक जा, अकड़ दिखाता है मेरे को तू। ओके आ जाएगा अब आएगा अब गुस्सा दिला रहा है सॉल के लियो, देख टीम में चुपचाप बुला रहा हूँ प्यार से करेगो तू, प्यार नहीं मान रहा अपन लोगों का, देख इतने मैं अकेला नहीं है, इतने सारे लोग तेरे को देख रहे फिलहाल सब्सक्राइबर सारे अपनी फैमिली, तो ये कर रहा है तू, आ जा बेइज्जती मत कराना अभी यार, ये कितना ज़्यादा कमीना पोकेमॉन है भाई, देख भाई देख सॉल के लियो प्लीज़ तू आ जा, देख अब और मुझसे रहा नहीं जा रहा तेरे को देखने का, आ जा आ जा आ जा, ओ ओ आई गॉट इट। ओके ओके देखते कुछ और लेजेंडरीज को कैच करने की, क्यूरम को तो भाई मैंने कैच नहीं किया, ऑल्सो सॉल के लियो आई लाइक दिस पोकेमॉन,
एंड फ्लाइगन को चापा मेरे को दिख रहा है, जो कि मेरे तो किसी काम के नहीं है, बिकॉज आई एम अ लेजेंडरी हंटर ओनली। लेजेंडरी पहले मिले नहीं, बट फिलहाल मैं लेजेंडरी हंटर हूँ, मतलब और कुछ हंट नहीं करूँगा लेजेंडरी के अलावा। बारिश गिर रही है, आई गेस बारिश नहीं करते तो कुछ अच्छे पोकेमॉन हमें मिलते हैं। ओके अगेन फ्लाइगन, छोटे मोटे पोकेमॉन्स, छोटे मोटे पोकेमॉन्स, अगेन छोटे मोटे पोकेमॉन्स। ओके उस साइड देखते ना, उस साइड कुछ अच्छा पोकेमॉन मिल गया तो लेट मी गो गाइस। आई गेस कुछ अच्छा पोकेमॉन मिलना ही चाहिए। और छोटा सा पिकाचू, और ये पिकाचू नहीं, ये ग्लिचेस पोकेमॉन है, ठीक है। कुछ पोकेमॉन ग्लिचों की पिकाचू दिखता है, मतलब पिकाचू हर जगह नहीं है, ठीक है। ओके लेट्स सी यहाँ पर कौन सी पोकेमॉन मिलता है। एंड ओ ये एरिया बिल्कुल आइस एरिया है, जो कि पहले जैसा था। एंड यहाँ पर ओ ये तो ऐश के पास था भाई। अरे पीछा मत कर भाई, पीछा मत कर, पीछा बिल्कुल नहीं। ओके एग्जैक्टली और एक पोकेमॉन, इट्स लेजेंडरी ऑल्सो, तो ये मेरे को इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं है। लेट्स सी अगेन और क्या क्या स्पॉन होता है। ओ ओ एक सेकंड, दिस इज म्यूटो, दिस इज राशेरियम, ओ ओ इट्स ऑल्सो लेजेंडरी, ओ ओ ओह भाई इट्स अमेजिंग, म्यूटो राशेरियम दोनों एक साथ एंड ऑल्सो लेजेंडरी पोकेमॉन। अरे भाई साहब ये मजेदार बात हो गई रे, म्यूटो म्यूटो भाई म्यूटो रेशिरियम म्यूटो। एक्चुअली मैं आई गेस मुझे म्यूटो को कैच कर लेना चाहिए, दो म्यूटो एक रेशिरियम एंड एक ये चटको सा पोकेमॉन, एक म्यूटो का कैच कर लूँ, पता चले म्यूटो निकल जाए भाई यहाँ से। ओके लेट्स गो, म्यूटो इज लुकिंग, या आई गेस मैं इसे कैच कर सकता हूँ नहीं कर सकता, पहले एक पोकेबॉल थ्रो करके देख लेता हूँ। भाई जब क्रंच नामक अटैक तो है भाई, एक शॉट में पिटेगा, बट लेट्स सी क्या मेरे पोकेबॉल्स वर्क करेंगे इसके ऊपर। या यू कैन थ्रो द पोकेबॉल बिकॉज ये पोकेमॉन का लेवल हमसे औकात से ज़्यादा है फिलहाल दिखा रहा है, बट मेरे पास उस लेवल की पोकेमॉन्स है, मुझे इसको कैच करने के लिए कुछ जिम बैजेस को कलेक्ट करना पड़ेगा, बट अफकोर्सली मैं इसे मार तो सकता हूँ फिलहाल। लेट्स गो, या इट्स पावरफुल भाई, इट्स पावरफुल, लिटरली इट्स पावरफुल, मानना पड़ेगा म्यूटो भाई, तू तो ओवर पावर्ड है बिल्कुल। ओके एंशिएंट पावर, ओ ओ माय गॉड। ओके और एक शॉट, और एक शॉट, ओके फिनिश। चलो इससे तो भाई बच गए अपन लोग, म्यूटो गया भाई, बाय बाय म्यूटो, दोबारा मिलेंगे किसी दिन। और ये सोलगेलियो लेवल अप हो चुका है, ओके सोलगेलियो नहीं हुआ, बाकी सारे तो हो चुके हैं लेवल अप, दैट्स गुड। वैसे मुझे बेकार पोकेमॉन्स को अपने टीम से निकालना है, एंड मैंने आधा तक एक्सप्लोर नहीं किया भाई न्यू फाइल का, और मुझे इतने लेजेंडरीज मिल चुके हैं, अगर मैं पूरा इसमें एक्सप्लोर कर लूँगा तो भाई कितने लेजेंडरीज मिलेंगे। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ लिटरली, मैं थोड़ा ही एक्सप्लोर किया, इतने से लेजेंडरीज पोकेमॉन मेरे को मिल रहा है, और अगर मैं पूरा ही इधर का एक्सप्लोर कर लूँगा तो भाई कितने लेजेंडरीज मिलेंगे मेरे को। ओके कुछ लेजेंडरी दिखाता हूँ, नहीं वही ड्रैगनबल्टी है, और कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन कहाँ पर मिलने वाले हैं लेजेंडरीज। और किसी पोकेमॉन का खतरनाक साउंड आया था, नहीं छोटे मोटे बच्चे पोकेमॉन सी है। ओके कोई अच्छी पोकेमॉन बन जाए मेरे को ज़रा, एक्चुअली में मुझे कोई अच्छा पोकेमॉन चाहिए, मैं तो लेजेंडरीज को देखने के बाद भी मेरे को कोई अच्छा। सुडो वुडो भाई तेरे को क्या हो गया, पानी में कुछ चल रहा है, तू रॉक टाइप है ना, पानी से तेरे को एलर्जी है पानी से भाई, आजा बाहर आजा, पिट जाएगा यार। कोई बात नहीं, रेंडम वाइज में भाई सुडो वुडो भाई किंग बन के घूम रहा है पानी के ऊपर, और पैर तो रख के भाई, नाइस सुडो वुडो इज किंग नाउ। रिलोबूम, इट्स रिलोबूम, आई नो इट्स रिलोबूम। मैं सोच रहा हूँ काफ़ी टाइम से हम यहाँ पर घूम ही रहे हैं, फिलहाल घर जाने का टाइम हो चुका है, मतलब आगे जाने का। एंड मैं तुम्हें सच बताऊँ तो यार ऊपर जाने के बाद कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, जो कि मैं तुम्हें कैंसिल करवा दूँगा, मतलब इतने सारे इवेंट्स देख के क्या ही होगा, ठीक है। तो मैं कुछ इवेंट्स यहाँ पर कैंसिल कर दूँगा ताकि तुम लोग को मज़ा आए देखने में, और बेकार पार्ट्स को डिलीट कर दूँगा। तो चलो ऊपर चलते भाई देवी। ओके तो ये न्यू सिटी है, एंड इस सिटी के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पर इवेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, जो कि मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। तुम्हें बताया तो तुम्हें शॉर्टकट लिख क्या हुआ, मरनी के साथ हमने एक छोटी सी बैटल की, साथ ही साथ मैंने और होप ने मिलकर टीम बेल के मेंबर्स को बीट किया, एंड उसी के साथ हमने कुछ जिम लीडर से इंट्रोड्यूस की, बस इतना ही हुआ। एंड हमें जिम बैज मतलब जिम चैलेंजर बनने का वो मिल गया, एंड साथ ही साथ मैंने होप से भी एक बैटल की थी। सो या ये सब यहाँ पर हो चुका है, बेकार चीज़ जो कि मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता, बिकॉज ये सब टाइम वेस्ट होने वाला है, हम तो भाई रैंडमाइज़ का मजा लेने आए, तो ऑफकोर्स ही रैंडमाइज़र का ही मजा लेंगे अपन लोग, ठीक है। सो या लेट्स गो, एंड आई गेस मेरे पोकेमॉन्स को शील्ड नहीं है, एंड कुछ पोकेमॉन्स को मुझे अपने टीम से बाहर फेंकना है लात मार के, बिकॉज पहले भाई मेरी टीम बहुत ज़्यादा वीक थी, तो मुझे कुछ पोकेमॉन्स को अपने टीम में रखना पड़ा, बट फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके जैसे कि ये शिफ्ट निकल मूव, हाँ ठीक है, और टू भी निकल, एंड या दिस इज आवर फर्स्ट बैटल विथ होप, एंड मैं अपने पोकेमॉन्स की जरा वो चेकआउट कर लूँ, मूव चेकआउट कर लूँ, बिकॉज मैंने अभी तक किसी पोकेमॉन की मूव चेकआउट नहीं की है। ये क्या क्या ले रहा है तू। ओके एक्चुअली मैं ये ठीक है,
सोलगेलो के पास कौन कौन से मूव है भाई? ओके मेटल क्लो, नबल रोक, ओके आयरन हेड एंड मेटल साउंड, ओके हाउल, क्विक अटैक, बाइट एंड स्लैश, ओके नबल रॉर, ओके एंशिएंट पावर, फायर फंग एंड स्लैश, ठीक ठाक है इनके अटैक्स। तो होप के पास भाई कौन से लेजेंडरी होने वाले? होप मेरे भाई जल्दी से बैटल शुरू करते हैं अपन, ज़्यादा नॉटिंग की ज़रूरत नहीं है। या तो आई गेस उसके पास कोई खतरनाक लेजेंडरी पोकेमोन तो हो ही सकता है। ओके चार पांच पोकेमोन है भाई। ओके पहला पोकन स्कॉटल वाटर टल है, जो कि मेरा वाला वाटर टल नहीं चुराया ना तूने, सच बता, कोई बात नहीं, इसको तो भाई अपन एक ही शॉट मना देंगे वो ड्यूल चॉप, लेट्स गो। ओह या वन शॉट बीटेड। फिलहाल मैं इस पोकेमोन से अपने दूसरे पोकेमोन को थोड़ा ट्रेन करूंगा एंड फिर मैं इसको रख दूंगा उसके घर। ओके सेकंड पोकेमोन क्या है इसको? ओह या ये तो भाई डेट्रिक्स है। एक्चुअली मैं गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ पता, ये पोकेमोन को ज़्यादा ही ओवर लेवल हो चुका है, सो मैं इस पोकेमोन को अपने टीम से हटा दूँ। क्या सोच रहे हो? ये कुछ ज़्यादा ही ओवर लेवल पोकेमोन है जो कि फिलहाल हमारे लिए सही नहीं होगा। नहीं यार दो पोकेमोन तो हमके हार चुके ऑलरेडी, गया ये भी। ओके अगेन ए लिलीपप, ओके उसका लिलीपप अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है एक्चुअली में। ओह लेट्स गो एंड इसका लास्ट पोकेमोन अभी बाकी है। ओके क्या निकालने वाला है होप? ओ अम्ब्रियन, इसको देखे हुए साल हो गए भाई, अम्ब्रियन को देखे हुए मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखा अम्ब्रियन को, मतलब अम्ब्रियन को। ओके ये भी, ओ इट्स पावरफुल, इट्स पावरफुल बडी। फाइनली उसका अम्ब्रियन भी बीट हो चुका है भाई बाय होप एंड जा भाई देवी। फिलहाल मैं इस पोकेमोन को रख देता हूँ पीसी में। ओके तो बाय बाय मेरे प्यारे दोस्त। सो नाउ आई हैव ओनली थ्री लेजेंडरी पोकेमोन इन माय टीम। मैंने बाकी सारे को निकाल दिया यहाँ से एंड वो कुछ ओवर लेवल था इसलिए मैंने इसको अपने टीम में नहीं रखा है फिलहाल। तो चलते हैं भाई अपने बैटलिंग के दौरान क्या होता है देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कुछ चीज़ तो था। ओ क्या क्या मिल रहा है? बिग मशरूम। इसका कोई काम दाम तो नहीं है वैसे। यहाँ के पोकेमोन स्पॉन क्या है? ओनली पिकाचू। अरे भाई एक लड़की भी है आपकी। ओह इट्स ऑल्सो ए लेजेंडरी पोकेमोन बाय द वे। निकल। तो देखते भाई इस लड़की के पास कोई लेजेंडरी पोकेमोन है कि नहीं। देखा भाई कौन सा लेजेंडरी पोकेमोन तेरे पास? ओके देखते इग। यार क्या क्या चल रहा है इनके बीच? मतलब ये थोड़े इग लेके क्यों घूम रहे हैं? ज़्यादातर यार लौंडे यहाँ पर इग लेके घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं रन नहीं कर सकता यार, मुझे पीटना ही पड़ेगा इसे। चल मेटल क्लो ही करते हैं, जीत गए। सो यार मैं आगे दौड़ने वाला हूँ एंड यहाँ पर बस स्लीगो कुछ पोकेमोन सी है एंड ऑल्सो अलोलन राइचू। आओ या इस लड़की से भी बैटल करना पड़ेगा। या इट्स ए गुड पोकेमोन बाय द वे। सो ये तो इसे नहीं हराने वाला, ये बग एंड स्टील टाइप ओपोनेंट है तो ऑफकोर्सली अपन को चाहिए अपना डैशीडियम जो कि भाई फायर टाइप गॉड है, बिल्कुल खतरनाक वाला भाई, फायर एंड ड्रैगन टाइप गॉड भाई। ये दिख रहा ना यार, ये दिख रहा ना खतरनाक खतरनाक पोकेमोन। ओके व्हाट ही हैव ट्रांसफॉर्म? भाई वो पोकेमोन ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, मेरे को इतना तो पता है वो पोकेमोन ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। यार कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? मतलब इनके पास मूव भी अलग थलग है भाई, इस पोकेमोन के पास ट्रांसफॉर्म है एक्चुअली में। इसने भी एंशिएंट पावर यूज़ किया, सेम लेवल के अपन दोनों, सेम डैमेज पड़ेगा। ओके एक्चुअली में गेम बहुत ही ज़्यादा ही मज़ेदार होता जा रहा है यार मेरे लिए तो फिलहाल। ओह इसकी स्पीड ज़्यादा है मेरे से, मतलब कुछ भी पोकेमोन कोई से भी अटैक कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म हो के कुछ भी। यार इट्स अ रियली ऑसम बड़ी, इट्स अ रियली ऑसम। मतलब मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ओपोनेंट पे कौन सा पोकेमोन है एंड उसके मतलब अटैक क्या है। नल्ला पोकेमोन भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इट्स ग्रेट। और मैं थोड़ा भूल चुका, मेरे पास पोजिशंस खत्म हो चुके थे तो मुझे इनको रिस्टोर करना है वापस से। ओह ये कौन सा पोकेमोन है? ओह भाई ड्रैगन बहुत स्लो लग रहा है ये। आई गेस ये एक स्नेल है जो कि वो है, वैसे स्नेल को ड्रैगन टाइप पोकेमोन के बना दिया। एक तो अपना स्लीगो है मतलब जो गूड्रा एंड दूसरा है ये पोकेमोन। तो मैंने काफ़ी सारे पोजिशंस एंड उसके साथ साथ कुछ रिवाइव्स को ले लिया है बिकॉज मेरे पोकेमोन अगर रस्ते में कहीं पर भी जख्मी हो चुका है मतलब हो गए तो मुझे इनको हील करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने लिया है। ओके यहाँ पर और एक ट्रेडर है, इसको मैं स्किप करूँगा। ओह हेलो सोनिया व्हाट्सअप। ओके ये मेरे को स्केप रोप दे रही है बिकॉज मेरे को अभी उसके अंदर जाना है ना, उसका नाम क्या है, केव या कुछ गालार माइन, हाँ उसके अंदर जाना है। तो इससे पोकेमोन को मेरे हील कर दिया है, थैंक यू सोनिया सो मच। एक्चुअली मैंने एक ट्रेनर को तो वहाँ पर वो ही कर दिया है, अवॉइड कर दिया है, बट कोई बात नहीं आगे देखते हैं। ओह यहाँ पर कोई पोकेमोन हिल जाता बट इसको इग्नोर करता है, इस अंकल से बैटल करते हैं, ये सही लग रहा है। ओके दिखाओ भाई कौन से पोकेमोन है आपके पास। ठीक है ठीक है, इतना चौन में तो मत रहो। जैक्रोम, ओ एम जी ही हैव जैक्रोम।
एंड ऑल्सो आई गेस ये शाइनी है, ये चमका ना अभी। एक सेकंड, शाइनी जैक्राम कैसा दिखता है भाई? दिवे ये शाइनी है क्या? मतलब ये चमका भाई अभी लिटरली। ओके ओके, मुझे मेटल ग्लो करना पड़ेगा, इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। फायर फंग, ओ ओ बड़ी, इसके पास खतरनाक मूव्स तो है एक्चुअली, मानना पड़ेगा इसके पास बहुत ज़्यादा ओपी मूव्स है। सो आई गेस मुझे अपना इस फायर गॉड को निकालना पड़ेगा इसको हराने के लिए, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रिक एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, एंड तो रॉक टाइप अटैक अच्छा होगा इसके लिए। ओके सुपर फंग, ओ ओ नो, ओ भाई क्या ही डैमेज है इसका। ओके चलो एक छोटा मोटा डैमेज देकर देखता हूँ मैं क्या होता है। ग्रोथ, हाँ इसने ग्रोथ किया है। क्या 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 अटैक कर रही है लोंडे, स्पेशल अटैक एंड अटैक बूस्ट हो गया उसका, कोई बात नहीं ये ली। और सो लेजेंडरी बैटल भाई, लेजेंडरी बैटल एक्चुअली में। ओके 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 ओके, वेरी नाइस ब्रो। ओके देखते हैं और एक अटैक करके। तो भाई जैक्राम वर्सेस एशियोडियम के लेजेंडरी बैटल के बीच मेरा गेम क्रैश हो चुका था, एंड मैंने लिटरली 2 times करने की ट्राई की, बट पता नहीं उधर में क्या ही क्लिच हो रहा है, गेम क्रैश हो रहा है। बट मुझे उस बैटल को अभी अवॉइड करना पड़ेगा, पर अगर मेरे पास निंटेंडो स्विच होती तो भाई ठीक होता, बट मैं वीजी मिनट मतलब पीसी में खेल रहा हूँ, सो ऑफकोर्स ही थोड़ा बहुत ग्लिचेस देखने को मिल सकती है, एंड मुझे इसको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई मुझे इससे बच के रहना होगा, इस अंकल से एक्चुअली। ओ चार्जार्ड, ओ ओ ओ मैन भाई ये कहाँ से हंट हो गया? अफकोर्सली भाई नहीं चाहिए चार्जार्ड, मैंने सिर्फ लेजेंडरी हंटर ही समझ यार। ओके दो दो चार्जार्ड है, मैं दोनों से बच चुका हूँ, नाइस। एंड अब मुझे गालर माइन के अंदर जाना है, लेट्स गो बड़ी। एंड इसके अंदर कौन कौन से पोकेमॉन होने वाला है? वो ये चुटकू मुटकू, अरे आते भाई पकड़ ले भाई, दो दो लौंडे आते पकड़ लिए मेरे को। पता दिक्कत यही होती है यार, ज़्यादातर पोकेमॉन काउंटर हो जाते हैं। क्या निकला? अरे रायचू पिकाचू भाग रहा है उसके अंदर, नाइस। यहाँ पर एक बैटल हो सकती है, एंड आई गेस यहाँ पर भी एक बैटल हो सकती है, और यहाँ पर मैं कुछ पोकेमॉन्स को चेकआउट कर लूँ ज़रा। ओ ये सबसे मस्त पोकेमॉन मिला मैजिक आर्फ यहाँ पर, तो सबसे पहले सारे बैटल्स में कर लेता हूँ जल्दी से। ओ या इट्स एग, मतलब ये एग पिकाचू है, ठीक है। ये देखो एक पिकाचू, देखना ये पिकाचू ना, पिकाचू नहीं असल में एग है, मैं एंशिएंट पार मारूंगा ऑटोमेटिकली पिट जाएगा। नहीं बच गया भाई, ओके यहाँ पिट गया, देखो एग है, वन शॉट फेंटेड। देखा इसका नाम एक भी था, ये एक पिकाचू है भाई। दिवे मैंने कहा था ना बेकार पोकेमॉन जो होते हैं वो एक नाम से पिकाचू बन के आते हैं, अभी जो ट्रेन दौड़ा था वो पिकाचू नहीं था, वो एक वो था एक था दस वेस्ट एग। सो या आज के लिए हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर किया है, मतलब काफ़ी सारे ट्रेनर्स को हराया है, काफ़ी सारे लेजेंडरीज को कैच किया है, एंड ये बताना कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं कौन कौन से लेजेंडरीज पोकेमॉन को कैच करूँ। देखो तुमने देखा है काफ़ी वाइल्ड में लेजेंडरीज घूमती हुई, तो मैं जाके उनको भी कैच कर सकता हूँ। एंड या नेक्स्ट एपिसोड में हम अपने फर्स्ट जिम लीडर को भी बीट करने वाले हैं, सो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो अभी मैं चलता हूँ, लेट्स बाय, मीट यू अगेन।